जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में अपने रिचार्ज प्लान महंगे किए हैं। निजी कंपनियों के रिचार्ज प्लान महंगे होने के बाद बीएसएनएल के अच्छे दिन आ गए हैं। बीएसएनएल के प्रति लोगों की दीवानगी बढ़ रही है। अब युवा भी बीएसएनएल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ग्राहक भी इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और तभी तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने बीएसएनएल में अपनी सिम को पोर्ट कराना शुरू कर दिया है। भारत एट 9 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश की तीन प्रमुख प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में अपने रिचार्ज प्लान महंगे किए हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किन प्लान्स की बात कर रही हूँ, इसलिए आज की ये खबर आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज से कुछ साल पहले जब वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो ये कंपनी नहीं थी तो बीएसएनएल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था दूर संचार के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो बीएसएनएल के बारे में जानते होंगे, बीएसएनएल को इस्तेमाल कर चुके होंगे, और बहुत सारे ऐसे नए जो युवा हैं वो शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि उनके टाइम पर तो जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी निजी कंपनी आ गई थी। तो आप ठहरिएगा और ज़रूर इस पूरी खबर को सुनिएगा। इन तीनों कंपनियों के प्लान में करीब 25% तक का इजाफा हुआ है, मैं बता रही हूँ, लेकिन आप भी बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि आप लोग अपने रिचार्ज करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो प्रीपेड यूज़र्स हैं, पोस्टपेड यूज़र्स हैं, उन सबको इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा कि रिचार्ज कितने महंगे हो गए हैं। निजी कंपनियों के रिचार्ज प्लान महंगे होने के बाद बीएसएनएल के अच्छे दिन आ गए हैं। बीएसएनएल के प्रति लोगों की दीवानगी बढ़ रही है। अब युवा भी बीएसएनएल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर रोज बीएसएनएल ही ट्रेंड कर रहा है और लोग निजी कंपनियों के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एक ना एक दिन हर किसी का दिन आता है, और तो शायद हो सकता है कि बीएसएनएल के दिन फिर से अच्छे शुरू होने वाले हों। एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया के प्लान महंगे होने के बाद कुछ सर्कल में बीएसएनएल के सिम की बिक्री में 3 गुना इजाफा हुआ है। इसके अलावा लाखों यूजर्स ने बीएसएनएल में अपने सिम को पोर्ट भी कराया है। सोशल मीडिया पर हर रोज बीएसएनएल ही ट्रेंड कर रहा है। लोग निजी कंपनियों की बहिष्कार की मांग कर रहे हैं, नाराजगी तरह तरह से अपनी जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग बॉयकॉट निजी कंपनियां कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएसएनएल को वापस और ज़्यादा प्रमुखता दी जाए, इसको और अच्छा किया जाए, एडवांस किया जाए, ताकि जो फैसिलिटीज़ आपको प्राइवेट नेटवर्क्स पर मिल रही थी वो बीएसएनएल पर मिल सके। देखिए, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, इन सब के प्लान्स महंगे होने के बाद बीएसएनएल के सिम की बिक्री में इजाफा लगातार देखा जा रहा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान महंगे हुए हैं उसके बाद से बीएसएनएल के लिए सिम की बिक्री 3 गुना बढ़ गई है। इसके अलावा बीएसएनएल में पोर्टेबिलिटी भी 2.5 गुना का इजाफा दिखा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, झारखंड सर्किल के धनबाद में हर रोज बीएसएनएल के 500 सिम बिक रहे हैं। पिछले महीना यह आंकड़ा हर रोज 150 का था। अब इसके अलावा महज 6 दिन में बीएसएनएल के 2500 नए ग्राहक बने हैं। कुछ और खबरें बताती हैं कि राजस्थान में महज 1 महीने में 1,61,073 लोग बीएसएनएल से जुड़े हैं। इसी अवधि में एयरटेल को 68,412 और जियो को 6,01,508 ग्राहकों ने अलविदा कह दिया। अब आपको आगे बता दूं कि अगले महीने देश के तमाम हिस्सों में बीएसएनएल की 4G सर्विस शुरू हो रही है। अब आप ये कहेंगे कि 4G का हम क्या करेंगे, हम तो 5G सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बीएसएनएल पर 4G सर्विस आना भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, शुरुआत में ग्राहकों को, क्योंकि एक बड़ा तबका अभी भी 4G सर्विस ही इस्तेमाल कर रहा है, शुरुआत में ग्राहकों को फ्री में 4G सिम कार्ड मिलेगा। इसके अलावा मौजूदा ग्राहकों के सिम कार्ड को भी फ्री में 4G में अपग्रेड किया जाएगा। अब बीएसएनएल ने हाल ही में तमिलनाडु के त्रिवल्लुर जिले में 4G लॉन्च की है। बीएसएनएल 4G के साथ बेहतर कनेक्टिविटी नेटवर्क का दावा किया जा रहा है, जो बाकी प्राइवेट कंपनी भी करती हैं। बीएसएनएल 4G के इस लॉन्चिंग का फायदा नोचिली, कोलाथुर, पल्लीपेट, त्रिवल्लुवाल और पेन्नरी जैसे इलाकों को होगा। बीएसएनएल के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इसके बाद तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 4G रोल आउट किया जाएगा। अब बीएसएनएल के अधिकारी ही बताते हैं कि आकर्षक पैकेज लॉन्च करने का सीधा फायदा बीएसएनएल को मिल रहा है।
बीएसएनएल के अधिकारी के लिए आंकड़े चौंका देने वाले हैं कि जो ग्राहक बीएसएनएल छोड़कर दूसरी टेलीकॉम कंपनी में पोर्ट करा रहे थे, अब उन कंपनी को छोड़कर वापस बीएसएनएल पर आ रहे हैं। अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि महीने के अंत तक ये आंकड़ा 2 से 2.5 लाख तक पहुंच सकता है। बीएसएनएल उत्तर प्रदेश के पूर्वी परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक महेश श्रम सिंह कहते हैं कि पिछले दिनों में ही 1000 से ज्यादा निजी ऑपरेटरों के सिम प्रयोग कर रहे ग्राहकों ने भारत संचार निगम लिमिटेड में पोर्ट कराया है। बीएसएनएल के लिए काफी अच्छे संकेत हैं, यानी फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले जब बीएसएनएल छोड़कर लोग दूसरी कंपनी में पोर्ट कर रहे थे, तब बीएसएनएल ने 4G लॉन्च कर ये सिलसिला कुछ हद तक रोकने की कोशिश की, लेकिन निजी ऑपरेटर की तुलना में बीएसएनएल के ग्राहकों की संख्या काफी कम रही। पर अब बीएसएनएल के सस्ते और अच्छे प्लान निजी टेलीकॉम कंपनियों के महंगे प्लान पर भारी पड़ने लगे हैं। यही वजह है रोजाना हजारों लोग अब बीएसएनएल को फिर से अपनाने लगे हैं। अचानक पोर्ट और नए सिम कार्ड को लेने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सार्वजनिक टेलीकॉम कंपनियों की तुलना में भारत संचार निगम लिमिटेड के प्लान 45% तक सस्ते हैं। 45%, इस आंकड़े को गौर करिएगा, 45% अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बीएसएनएल 199 रुपये में 30 दिन तक का प्लान दे रहा है, जो आपको दूसरे कंपनीज में 23 दिन, कुछ में 28 दिन भी था पहले, लेकिन अब तो वो भी कम हो गया है। अब इसमें 2GB प्रतिदिन इंटरनेट मुफ्त मिलेगा, हालांकि 2GB नहीं मिलता था, 1.5GB मिलता था। वहीं जियो की बात करें तो यही प्लान 349 रुपये में 28 दिन का है। अब एयरटेल का यही प्लान 389 रुपये में 1 महीने का है। अब वोडाफोन का यही प्लान 389 रुपये में 28 दिन का है। तो बताइए कौन सस्ता है? बीएसएनएल। अब बीएसएनएल का दूसरा प्लान है 499 रुपये का। इसमें ग्राहकों को 2GB प्रतिदिन के हिसाब से मुफ्त इंटरनेट देने की सुविधा है और इस प्लान की वैलिडिटी 75 दिन की है। आप सोचिए 75 दिन 499 रुपये में, इसे सस्ता और कहां मिलेगा। यही प्लान जियो में 859 रुपये का है, इसकी वैलिडिटी 84 दिन की है। महंगा तो है। एयरटेल में यही प्लान 989 रुपये का है, जिसकी वैलिडिटी 84 दिन की है। अब वोडाफोन में भी यही प्लान 989 रुपये का, वैलिडिटी 84 दिन की है। जियो और एयरटेल के रिचार्ज बढ़ने के बाद यूजर्स बीएसएनएल की तरफ रुख कर रहे हैं। अब ऐसे वक्त में अगर बीएसएनएल पर ध्यान दिया जाए तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। जो बीएसएनएल लगातार अपने ग्राहक खो रही थी, उसमें इजाफा हो सकता है। इस साल अप्रैल के अंत में बीएसएनएल का मार्केट शेयर 7.46% था। अब इसी दौरान एमटीएनएल का मार्केट शेयर 0.16% रहा। रिलायंस जियो की हिस्सेदारी 40.4% और भारतीय एयरटेल 33.12% रही, जबकि वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर 18.77% था। अब ऐसे में देखना है कि आने वाले समय में बीएसएनएल का भविष्य क्या होता है। अब देखिए लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए कि भले ही महंगाई बढ़ रही हो, लेकिन डाटा सस्ता होना चाहिए। अगर डाटा महंगा हो रहा है तो लोग पोर्ट करेंगे, लोग दूसरी नेटवर्क की तरफ बढ़ेंगे और बीएसएनएल को इसका बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। भविष्य तो यही तय कर रहा है, लेकिन आगे देखना होगा कि जब 4G लॉन्चिंग होगी और 4G दूसरे राज्यों तक पहुंचेगा, तो फिर इसके ग्राहक कितने ज़्यादा बढ़ेंगे। क्या बीएसएनएल की जो सस्ती ये पूरी प्लानिंग है, जो प्लान्स है, इनको देख कर जो प्राइवेट कंपनी है, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, ये अपने प्राइसेस कम करेंगे या नहीं। अब ये कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत मज़ेदार होने वाला है और कहीं ना कहीं ग्राहक भी इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और तभी तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने बीएसएनएल में अपनी सिम को पोर्ट कराना शुरू कर दिया है। अब ये छोटे छोटे गांवों में, शहरों में हो रहा है, महानगरों में कब तक होगा इसका इंतजार। आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।